अब हम पहाड़ों की कर रहे हैं, तो पहाड़ों में हाल ये है कि हाईवे पर इतना पानी जमा है कि गुजरना बेहद मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद भी लोग गाड़ियों से रास्ते पार कर रहे हैं। राहुल सिंह की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, आप देखकर खतरे का अंदाजा लगा पाएंगे। इस वक्त हम रामनगर में मौजूद है और जो पहाड़ों में लगातार भारी बरसात हो रही है, उसके बाद ये जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को पार कराने में लगा है, और जो ये NH 309 के हालात है इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उधर भी दर्जनों ऐसे वाहन हैं जो नदी के बीचों बीच फंस गए हैं और उसमें सभी में सवारियां भरी हुई है। वो तस्वीरें मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से यहां के जो हालात है वो इस समय बने हुए हैं। और अगर इधर देखें कि बाइक सवार जोखिम उठाकर किस तरीके से उनके जो साथी है या जो और लोग हैं उनको यहाँ पार कराने में लगे हुए हैं, और अगर मैं उधर दूर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ कि वहाँ जो है वो दर्जनों वाहन नदी के बीचों बीच में फंस गए हैं। तेज बहाव होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो बीच में फंस गई है, और नीचे जो JCB मशीन है वो आप देख सकते हैं कि JCB मशीन गाड़ियों को बहने से रोकने के लिए वहां लगाई गई है ताकि कोई हादसा ना हो, और इधर जो पैदल यात्री है वो इसी तरीके से लोगों का सहारा बनकर एक दूसरे को नदी पार करा रहे हैं। और इधर मैं ठीक अपने पीछे अगर दिखाना चाहता हूं, इधर सैकड़ों वाहन ऐसे हैं जो कि अपने यात्रा पर निकले थे लेकिन जो नाले का तेज बहाव था इस वजह से ये लोग यहीं फंस गए। हर जो बस है या जो गाड़ी है उसमें हजारों सैकड़ों ऐसे पर्यटक है जो कि यहाँ फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पानी के बहाव को कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ कल और इससे पहले भी कई वाहन इस नदी के तेज बहाव में बह गए हैं, लेकिन ना तो सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और ना इस नदी पर आपको कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई भी जिला प्रशासन का कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, और जो सभी यात्री है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। इसी के साथ ही साथ अगर बात करें, लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को हाथ से इसी तरीके से देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जल स्तर है वो लगातार इस नदी का बढ़ रहा है। राहुल सिंह, NH 309, रामनगर।